हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक प्रॉब्लम का सलूशन, जो कि है घर में पड़ी हुई ये बोरिंग ओल्ड फैशन स्वेटर्स। ये क्या होता है कि घर में पड़ी हुई रहती है, हमें समझ नहीं आता कहाँ रखे। तो आज मैं बताऊंगी आपको 12 ऐसे यूनिक आइडियाज कि आप किस तरीके से इन स्वेटर्स को रीफैशन एंड रीयूज कर सकती हैं। ये देखिए, एक ही स्वेटर से आप कई तरीके की चीज़ें बना सकते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आइडिया जो है वो है कुशन कवर का। आजकल चल रही हैं सर्दियां, तो सर्दियों में इस टाइप के कुशन कवर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उसके लिए करना क्या है आपको कि कुशन कोई भी साइज़ का आपको लेना है और स्वेटर के निचला हाफ जो है उसे काट देना है। स्वेटर उल्टी करके उसको मार्किंग करके आप आधा इंच का मार्किंग का मतलब आधा इंच की जगह छोड़ेंगे और सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से आप बटन वाले स्वेटर्स में भी कर सकते हैं। सेकंड आइडिया जो है वो है स्वेटर से बैग बनाने का। तो आपके जो पुराने बैग्स हों जिनका लेदर ना ख़राब सा हो जाता है, आप उन पर भी इसको चिपका सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से कट करके झोला टाइप का बैग भी बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि ऊपर से कंट्रास्टिंग कोई पट्टी भी लगा के हैंड बैग बना सकते हैं और ये डोरी लगा के बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल बैग्स बन सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है स्वेटर ड्रेस, जो कि मेरा फेवरेट है और मैंने बनाया भी है। ये बहुत ही इजी है। कोई भी लॉन्ग स्वेटर आप ले लीजिए और उसके नीचे से चेक का कपड़ा स्पेशली बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोई भी अपने पसंद का फैब्रिक लेके, या अगर शॉल का फैब्रिक हो, मोटा फैब्रिक हो, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आपका है मिटन्स बनाने का। उसमें अपने हाथ को आप स्वेटर के ऊपर रख देंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे, कट लगा के उसको सिल देंगे और ये बहुत ही खूबसूरत से ग्लव्स या मिटन्स बनके तैयार हो जाएंगे। नंबर 5th जो आइडिया है वो भी बहुत ही इजी है, वो है क्यूट सी कैप। कैप तो हमारे घर में मतलब चल ही जाती है। स्वेटर जो पुराना सा पड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर आप अपनी पुरानी कैप को रखिए, उसके शेप में आधे इंच का मार्जिन छोड़ के उसको कट कर दीजिए और अपनी तरीके से पैच लगा के, बटन लगा के या पॉम पॉम लगा के उसे सजा सकते हैं। 6th जो है वो है स्वेटर मैक्सी ड्रेस। ये भी मुझे बहुत ही क्यूट लगा। ऊपर से आप मतलब अपनी प्लेन जो स्वेटर्स है उसको लगा के और नीचे से फ्लोरल प्रिंट में या कोई भी आपके पसंद का प्रिंट हो ना, उसको स्टिच कर देंगे आप स्वेटर के साथ, या आप इसमें शॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे से भी शॉल स्टिच कर दीजिए। 7th आइडिया जो है वो है कार्डिगन का। ये बहुत ही ईजी है। जो स्वेटर होती हैं उनको आप बीच से कट कर लेंगे और उसमें लगा देंगे बटन, या आप बटन नहीं भी लगाना चाहते हैं तो उसको जस्ट आप हॉट ग्लू से चिपका दीजिए और आपका कार्डिगन बनके तैयार है। 8th है आपका स्वेटर बूट्स या सॉक्स, जो भी कह लीजिए आप। ये जो स्वेटर के ना बाजू होते हैं, बाजुओं को आप अलग काट लेंगे, वो हो जाएंगे आपके बूट्स, और नीचे से आप अपने पैर का साइज रख के उसको कट कर लेंगे और उसमें सिल देंगे। नाइन्थ आइडिया जो है वो बहुत ही क्यूट, स्टोरेज बॉक्सेस का, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ये बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कार्डबोर्ड का जो शॉपिंग के बॉक्सेस आते हैं ना, वो बॉक्स ले लेंगे और उसको पहना देंगे स्वेटर। तो ये देखिए, कहीं भी सोफे के बगल में या स्टोरेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 10th आइडिया वो है, अब भाई हमें सर्दी लगती है तो हमारे पेट्स को भी तो लगती है ना, हमारी कैट को, डॉग को। तो 10th आइडिया है हमारे डॉग के लिए क्यूट सी स्वेटर बनाने का। इस तरीके से आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, क्यूट सी स्वेटर बनके तैयार है। लग रहा है ना मेरा डॉगी क्यूटी। 11th आइडिया जो है वो बहुत ही मतलब ट्रेंडी वूलन आप कह सकते हैं स्कर्ट बनाने का है। बहुत ही इजी है। इसमें आप क्या करेंगे कि किसी भी वूलन जो स्वेटर्स होंगी ना, उनको बॉटम हाफ उसका काट लेंगे, ऊपर का रहने देंगे, वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ होगा, बॉटम हाफ काट देंगे और ऊपर लगा देंगे इलास्टिक। तो इससे बन जाएगी आपकी स्कर्ट जो आप बूट के साथ कैरी कर सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश लगेगी।
ट्वेल्थ है और लास्ट है प्लांटर कवर, मेरा फेवरेट है। बहुत ही बोरिंग जो मिट्टी वाले प्लांटर या जो नर्सरी से लेके आते हैं ना, उस पर अगर ये कवर पहना दे तो कितने ट्रेंडी और खूबसूरत लगेंगे। तो फिर बताइए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें से 2-4 बेस्ट आइडियाज़ पिक करके प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।